So, दोस्तों हमारे पास आ चुका है iPad 10 generation 64GB Wi-Fi variant, मतलब सबसे सस्ता वाला, और इसके ऑफिशियल प्राइसिंग है 45,000 रुपीज, और बैंक ऑफर लगा के आप ले सकते हो इसको 42,000 रुपीज में। जितने भी स्पेसिफिकेशन आई है इसकी, मोस्टली लोगों को ये बहुत ज्यादा ओवर प्राइस लगा है, और मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन हमने इसको खरीदा नहीं 45,000 में, ना ही 42,000 रुपीज में, हमने खरीदा है इसको 35,000 रुपीज में। वीडियो देखते रहिए, आपको मैं सारी जानकारी देता हूँ बराबर से। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये रहा अपना आईपैड, हमेशा की तरह पेपर पैकेजिंग में, और हमारे पास जुगाड़ करके ब्लू कलर ही मिला है भाई। और इस बार एप्पल ने मोस्ट इंटरेस्टिंग कलर्स दिए हैं आईपैड के साथ, आपको और दिखाता हूँ। ये अपना वाला ब्लू कलर, पिंक कलर भी आया है, उसके बाद ये येलो कलर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, मतलब लिटरली सोना टाइप का लगता है, उसके बाद ये सिल्वर कलर जो कि मुझे सबसे पसंद था, लेकिन भाई ये जुगाड़ नहीं हो पाया। अब आपको बताते हैं इसका जुगाड़। हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में मस्त प्यार भी आ रहा है दोस्तों, और प्यार इतना है कि लिटरली हम लोग शादी भी कर सकते हैं फ्यूचर में, अलग अलग, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आनिश भाई से मैं जुगाड़ में 35,000 ले लिया, कमेंट सेक्शन में जस्ट लिख देना, और ये जुगाड़ आप लोग के लिए भी काम कर सकता है। जब भी कोई प्रोडक्ट ओवर प्राइस होता है लेकिन आपको लेने का मन कर रहा है, बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप इसको सेकंड हैंड ले लो। लिटरली इसको लॉन्च हुए 20 से 30 दिन हुए, ओएलएक्स में मैंने ट्राई किया और आप देख सकते हो 40,000 रुपीस में मिल रहा है, मतलब ये जुगाड़ है लेकिन हमेशा काम करता है मेरे लिए। सेटअप ड्यूरल वीडियो में बताऊंगा। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे बॉक्स में आपको, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको एप्पल स्टिकर मिलने वाला है। ओ भाई क्या सेक्सी लग रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्लू कलर देना चाहिए था एप्पल को, इतना कलर्स फॉलो कर रहे हैं तो। और यहाँ पे आपको एप्पल अडैप्टर मिलता है 20 वॉट वाला, जिसके एक्चुअल प्राइसिंग 1600 रुपए, ये आईफोन्स में नहीं मिलता। ये आपको टाइप सी टू टाइप सी केबल है, लेकिन ये एक ब्रेडेड केबल है भाई, और इसकी क्वालिटी सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरे पास मेरे मैकबुक का भी केबल है, उसके सामने देखा जाए तो ब्रेडेड क्वालिटी काफी अच्छी है, क्योंकि एप्पल का जो केबल आता है ना बहुत ज्यादा बेकार होता है, मतलब लिटरली वो खराब ही हो जाता है। तो अभी बात कर लेते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। एक्चुअल में आईपैड तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आईपैड जनरेशन 9-10 वाला, जो सबसे सस्ता होता है, ये वही वाला है जिसका जनरेशन 10 आया अभी। उसके बाद आता है आईपैड एयर और आईपैड प्रो, जो कि लाख लाख रुपए 80,000 रुपए के होते हैं, और जो एयर होता है सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होता है। अब एयर और इसके प्राइसिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, मतलब लिटरली 10-12,000 रुपए का डिफरेंस है। इस बार एप्पल ने बिल्ड क्वालिटी में बहुत ही अच्छा काम किया है, पीछे से पूरा एल्यूमिनियम फिनिश है और फील बहुत ज्यादा प्रीमियम आता है। टॉप पे दो स्पीकर है, यहाँ पे बॉटम में भी आपको दो स्पीकर है, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट, और टाइप सी पोर्ट इस सीरीज में पहली बार। अब iPad है, किसी भी टैबलेट को आप वर्टिकल यूज करते हो या फिर हॉरिजॉन्टल यूज करते हो। अब हॉरिजॉन्टल यूज करने के लिए यहाँ पे है कैमरा, लेकिन वर्टिकल यूज करने के लिए यहाँ पे है इसका टच आईडी। और काम कैसे करता है, अगर टैबलेट बंद है और मैंने यहाँ पे टैप किया हुआ है, नहीं खुलेगा देखो, तो अगर मैं बटन को ऐसे दबाता हूँ उसके बाद डायरेक्टली खुल जाता है। और दूसरा ऑप्शन है आप टैप करोगे, अगर फास्ट करते हो तो बोलेगा नहीं भाई रोक के रखो, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा स्लो है। और जो इसका डिस्प्ले है, डेफिनेटली फॉर द प्राइस पॉइंट अच्छा डिस्प्ले नहीं कह सकते हैं इसको। ये एक लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, 500 निट्स की ब्राइटनेस है, लेकिन डिस्प्ले बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है। अगर मैं इसको लाइट में यूज करता हूँ तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस काफी सही लगी मुझे, मतलब कि बहुत ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। इवन इसका व्यूइंग एंगल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो कॉन्टेंट आप इसके ऊपर इंजॉय करने वाले हो, लेकिन रिफ्लेक्शन एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। और एक बार इसका डिस्प्ले आउटडोर में चेक कर लेते हैं, अभी डायरेक्ट टू सनलाइट है और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन है, आराम से इसको आप यूज कर पाओगे, डिस्प्ले विजिबल है। एक चीज और नोटिस की है, पैनल और डिस्प्ले के बीच में एक बहुत ही ज्यादा स्पेस है, तो इसके डिस्प्ले में हल्का सा फ्लेक्स आता है जब भी आप दबाते हो। सिंपली एक लो क्वालिटी डिस्प्ले पैनल यूज किया गया एप्पल की तरफ से। दूसरी बात, इस डिस्प्ले पे काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट स्मजेस आते हैं, मतलब वही सेम मैकबुक वाला प्रॉब्लम है, देखो कितना आ रहा है फिंगरप्रिंट स्मजेस, इवन की आई मैक में भी आता है, तो एप्पल के लिए काफी नॉर्मल है। अगर हम लोग आपको पुराना वाला आईपैड दिखाते हैं, इस पे ये वाला प्रॉब्लम नहीं था, देखो ये वाला जनरेशन 6 है और ये वाला जनरेशन 10 है, डिफरेंस देख रहे भाई। दोनों ही आईपैड अभी फुल ब्राइटनेस पे हैं, तो मतलब आईपैड लेना इतना सॉर्टेड रहता है कि आपको 5 साल आराम से निकल जाएगा। और हम लोग परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं, तो इसके अंदर एप्पल का बायोनिक A14 चिपसेट है। A14 चिपसेट मतलब लास्ट ईयर वाला, लास्ट ईयर मतलब बवाल परफॉर्मेंस। डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस इससे अच्छा इस प्राइस पे किसी भी टैबलेट में मिल ही नहीं सकता है, मतलब मैं ये लिख के दे सकता हूँ, मैं लिख के देता हूँ। देखो इस वाले आईपैड के अंदर एक प्रॉब्लम और है कि आपको एप्पल पेंसिल का जनरेशन 1 सपोर्ट करता है, जिसको आपको चार्ज करने के लिए एक्स्ट्रा डोंगल लेना पड़ेगा, उस डोंगल की कीमत भी 1000 रुपए, तो मतलब आपको एप्पल पेंसिल लेने की जरूरत ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे पास एक और पेंसिल है जो कि थोड़ी सस्ती है। इसको यहाँ से टैप करो, टाइप सी चार्ज भी हो रहा है, मस्त यूज हो रहा है भाई आराम से, और अपने जनरेशन 10 में भी आराम से यूज होता है। बस दिक्कत है कि दोस्त इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्क्रैचेस आने वाले हैं अगर आप ये पेंसिल यूज करते हो तो। एक मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लो अपने आईपैड पे, मैंने लिटरली थोड़ा सा इसको यूज किया है और आप स्क्रैचेस नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, देखो। इसको ट्राई करते हैं हटाने के लिए, थोड़ा पानी डाल देते हैं, ज़्यादा डाल देते हैं भाई, तो
देखो साफ तो मस्त हो जा रहा है, ऐसे तो लग रहा है गायब हो गया, लेकिन आप रिस्क मत लेना। एक और प्रॉब्लम, यहाँ पे आपने कनेक्टर देखा है, लेकिन ये कनेक्टर आईपैड के कीबोर्ड से आईपैड के कवर से कनेक्ट होता है, आपका पेंसिल से कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप जुगाड़ से कनेक्ट कर सकते हैं। और चिपकता मस्त है, देखो चिपकाने से आता है। इसके अंदर का एक बार मैग्नेट देख लेते हैं, देखो है भरे हुए मैग्नेट वहाँ पे, टिक्स लग रहा है। ये और स्पीकर है यहाँ पे, वो कनेक्टर वनेक्टर है यहाँ पे, एक और स्पीकर साइड में, यहाँ पर भी मैग्नेट है। एप्पल लव्स मैग्नेट, इट्स लाइक आई लव यू ऑल गाइस। इसी बात पे सब वीडियो को लाइक कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मेरी आवाज खराब हो गई है, पानी पी लेते। सो अभी डायरेक्टली बात करते हैं गेमिंग के बारे में। हम लोग ने जुगाड़ से BGMI डाल रखा है। अब इस BGMI और ये भाई ऑन है क्या अभी तक है? परफॉर्मेंस देख रहे हो दोस्तों, आधे घंटे पहले हमने ऑन करके छोड़ दिया था, अभी तक ऑन है ये बैकग्राउंड में। ये वाला मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में आई एम इम्प्रेस्ड। सबसे पहले ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको, और यहाँ पे Ultra HD तक चला सकते हो आप। अल्ट्रा सेटिंग स्मूथ पे एक्सट्रीम मिलेगा आपको, बैलेंस पे एक्सट्रीम, HD पे अल्ट्रा, HDR पे अल्ट्रा और Ultra HD। भाई हम खेलेंगे फुल सेटिंग्स पे। इस वाले प्राइस पे आपको इतनी तगड़ी सेटिंग कहीं नहीं मिलेगी। और इसका फुल गेमिंग रिव्यू हमेशा की तरह हमारे गेमिंग चैनल पे आएगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं। ओ भाई स्टार्ट हो गया गेम अपना। भाई आज तो पार्टी होगी। अरे यार उंगली नहीं पहुंच रहा। अरे भाई किसने मार दिया सामने से? अभी तक गेमिंग स्पेस बहुत अमेजिंग है, कोई लैग वैग नहीं आ रहा भाई। इजी किल्स भाई, इजी किल्स। चलो भाई लास्ट किल लेके आते हैं जल्दी से। लास्ट किल, लास्ट किल, वी आर गोइंग फॉर लास्ट किल ब्रदर्स। ये ले लिया किशोर ने, बलिदान दे दिया। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। डिटेल्ड में आपको हीटिंग, बैटरी सबके बारे में फुल गेमिंग रिव्यू में पता चल जाएगा। और अगर बात करते हैं एंटरटेनमेंट के बारे में, इस वाले डिस्प्ले का साइज 10.9 इंच है। ये वाले एक डॉक्यूमेंट्री चलाते हैं पेप्सी के ऊपर है, और अभी फुल ब्राइटनेस पे भी है भाई। डिस्प्ले एंटरटेनमेंट के लिए सच में काफी अच्छा है, लेकिन इसका स्पीकर उतना ज्यादा अमेजिंग लगा मुझे। मैं ज्यादा वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहा था इससे। अच्छी बात है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ मैं, एक बार यहाँ से यूट्यूब को स्टार्ट करते हैं अगर, देखो यूट्यूब पे मैं साथ साथ देख सकता हूँ लिटरली। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो, जैसे कि SAAQUIB। और यहाँ से मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, एक तरफ सफारी चल रहा है, एक तरफ क्रोम चल रहा है, तो डेफिनेटली आईपैड का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है उसमें कोई भी लैग या फिर एनिमेशन ड्रॉप वो सब चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन की बात है। और इसके स्पीकर्स के बारे में बात करते हैं, एक बार कोई गाना चला लेते हैं, जैसे कि भाई मेरा फेवरेट गाना है ये, प्रस्तुत है बिहार का सबसे पॉपुलर सॉन्ग। बिल्कुल ठीक है। एक बार कंपेयर करते हैं इसको आईफोन से। आईफोन से कंपेयर करने के बाद ठीक है नहीं लगा। आईपैड का क्वाड स्पीकर आईफोन के डुअल स्पीकर को हरा नहीं पा रहा है, मतलब क्वाड बस नाम का है, काम का तो नहीं है बिल्कुल भी। और वीडियो फॉर्मेट में आप अप टू 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका वीडियो कैमरा सच में काफी क्रेजी है। तो दोस्तों अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये है आईपैड 10 जनरेशन की। मेरी आवाज थोड़ी सी खराब है आपको, लेकिन आपको हल्का सा अंदाजा लग जाएगा। देखो तो इसमें यहाँ पे स्किन टोन मस्त बैलेंस करता है, लेकिन सूरज के पास आने के बाद फिर बैलेंस कर लेता है, लेकिन साइड से दिक्कत दे रहा है। तो ऐसी कुछ फुटेज मिलेगी आपको, मैक्सिमम जूम करते हैं। देखो ये है 3x का जूम और यहाँ से 1x। डेफिनेटली इसका वीडियो कैमरा काफी ज्यादा अच्छा है, और आपको इंडोर या आउटडोर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह का काम करने में या फोटो क्लिक करने में। 12 MP का वाइड एंगल कैमरा है, आगे अल्ट्रा वाइड दिया है ताकि आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिले जूम मीटिंग में या फिर पढ़ाई वढ़ाई करते हो। एक बार ट्राई करते हैं ऐसा कैमरा कितना चौड़ा है। टैबलेट के हिसाब से ऐसा कैमरा सच में काफी सही है। देखो भाई एकदम चौड़ा सा है। फीचर्स के मामले में यहाँ पे आपको लाइव फोटो भी मिल जाएगा, स्क्वायर पैनोरामा फोटोज एंड वीडियोस मिल जाएगा, स्लो मोशन एंड टाइम लैप्स भी है। तो अगर सिंपली बात करते हैं इस वाले आईपैड को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ या नहीं, मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। 45,000 rupees के हिसाब से काफी ओवर प्राइस लगा है मुझे। इस प्राइस पे आप थोड़ा पैसे मिला के आईपैड एयर ले सकते हो। आईपैड एयर का 5th generation या 4th generation भी चलेगा आपके लिए, लेकिन अगर आपको ये सेकंड हैंड OLX पे 35 crore मिल रहा है तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा बाई हो सकता है। हमारे साथ थोड़ा आप जुगाड़ कर सकते हो, और इस वीडियो देखते रहते हैं। आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।